नमस्कार, मैं हूं नेहा गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार टीवी। इरादे बुलंद हो तो मार्ग में हर कठिनाई का समाधान निकल ही आता है। जब पास में कुछ नहीं हो पर चट्टानी इरादों के साथ आगे बढ़े तो सफलता मिलेगी ही। क्राय परसुराय प्रखंड के बेचूबिया के 18 वर्षीय संजीव सुगन नामक कर दिखाया है। किसान मिथिलेश प्रसाद के बेटे संजीव ने नीट परीक्षा में पहले ही प्रयास में 720 अंक में से 685 अंक के साथ ऑल इंडिया रैंकिंग में 430वां स्थान तो ओबीसी कैटेगरी AIRC में 111वां स्थान लाकर जिला का नाम रोशन किया है। श्री संजीव ने बताया कि वे एम्स में डॉक्टरी पढ़ना चाहते हैं। वहां से डॉक्टर बनने के बाद गांवों में किसान व आम लोगों का इलाज करेंगे, क्योंकि आज भी गरीबी के कारण गांवों के सैकड़ों लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं। संजीव ने मैट्रिक तक की पढ़ाई हिलसा के अकबरपुर हाई स्कूल से तो इंटर की पढ़ाई किराए पर सुराय के डिग्री प्लस 2 हाई स्कूल से की है। इंटर में भी उन्होंने 90.8% अंक मिले थे। 5 भाई बहनों में संजीव दूसरे नंबर पर है। उन्होंने युवाओं को सफलता का मंत्र बताते हुए कहा कि एक बार लक्ष्य तय करो तो पाने तक चलते रहो। निरंतर और लगन से ही हमें लक्ष्य मिल सकती है। कभी भी मन में नकारात्मक सोच नहीं आने देना चाहिए, यह हमें विकास के पथ से भटकाती है। अपनी सफलता का श्रेय माता रूबी कुमारी व पिता मिथिलेश प्रसाद को दिया है। सफलता पर दौलती देवी, गौतम गुलाब, राजीव रंजन, अजीत प्रसाद व अन्य लोगों ने बधाई दी। कितना घंटा पढ़ाई करते थे और कैसे कितना नंबर लाया? मैंने एक दिन में कम से कम लगभग 16 से 18 घंटा पढ़ाई करता था। 16 से 18 घंटा लास्ट के मोमेंट में जब 2 महीना बचे थे तो मैं 17-18 घंटा पढ़ाई करता था। 17-18-19 घंटा तक पढ़ाई किया। कितना नंबर लाया? मैंने 685 स्कोर किया आउट ऑफ 720। क्या महसूस कर रहा है? मैंने बहुत अच्छा महसूस करा, क्योंकि सारे लोग जो हैं आसपास सभी लोग खुशी का माहौल है। माता पिता जो भी हैं, चाचा चाची, नाना नानी, आंटी अंकल, सब कुछ, सब लोग बहुत खुश हैं। छोटे बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? छोटे बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि कोई भी बच्चा चाहता है कि मैं मेडिकल में फील्ड में जाऊँ या डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे मतलब NCERT बेस्ड पर फोकस करना चाहिए। 6th क्लास से NCERT बेस्ड फोकस करना चाहिए, क्योंकि अपन मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो 6th क्लास में रहते हैं NCERT में, और वो नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं किसी भी स्टूडेंट को हाई करता हूँ उसे NCERT फोकस करने के लिए करता हूँ। आपका परिचय बताएंगे? मैं संजीव सुमन, मेरा नाम संजीव सुमन है। मेरे पिता का नाम मिथिलेश प्रसाद है, वो एक किसान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। एज ए स्टूडेंट मैं बहुत महसूस करता था कि मेरे पापा किसान हैं, बहुत सारे मतलब, लेकिन मैंने जब नीट का रिजल्ट और इसका जो कुछ सब चीज हुआ मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। अच्छा, कहाँ से पढ़ाई कर रहे थे आप? मैं 2 साल ही हिलसा में रहकर पढ़ाई किया 11th 12th, बट लास्ट जब मेरे एज नहीं पूरा हो रहे थे तो मैंने 1 साल कोटा राजस्थान में पढ़ाई की, LN Institute कोटा राजस्थान। आपका बेटा इतने नंबर से पास हुआ है, क्या बोलना चाहते हैं और आप कैसे इस मुकाम तक उनको पहुंचाए हैं? हम तो सर खेती करके मेहनत किए थे, मेहनत करके के मेरा सोच था कि हम भी जो है किसान हैं, लेकिन मेरा बेटा किसान न रहे, लोग को जो है सेवा दे, गरीब को सेवा दे, मेरा लक्ष्य था। और मैं पहले से भी सोचता था कि बेटा ऐसा करो कि ताकि जो है बहुत सा गरीब लोगों का जो है तुम जो है सेवा दे सकता है, और वह मुकाम पर पहुंच गया तो मुझे बहुत खुशी की बात है कि अब जो है मेरा बेटा जो है बहुत लोगों का जो है अच्छा मुकाम तक पहुंचा और सभी लोगों का जो है मदद करेगा और गरीब से लेकर किसान को विशेष जो है ध्यान देगा। बहुत से लोग जो है गरीब को नहीं समझते हैं और किसान को तो हे दृष्टि से देखते हैं कि किसान कोई भी है, लेकिन मेरा सोच है, मेरा बेटा को भी मैं समझाता हूँ कि आगे आने वाला समय में गरीब किसान का भी जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देना, कि ताकि उसे जो है सेवा देने का मौका मिले, कि ताकि बहुत से ऐसे बीमारी भी होते हैं जो बेचारा पैसे के अभाव में लोग जो है मर जाते हैं, तो इसका तुमको ध्यान देना है कि फ्री सेवा देकर लोग को जो है भलाई करने का काम करो। ऐसे मुकाम पर तुम पहुंच चुका है